जेन्युइन रिव्यू। हाँ, हमारे हिसाब से जेन्युइन रिव्यू देंगे। सुबह के 9 बजे हैं अभी और इतनी भीड़ लगी हुई है, सब ओपन आईपीएल देखने आए हुए हैं। आईनॉक्स एक्सपीरियंस इतना ही हॉरिबल रहा हमारा, काफी ज्यादा हरी मिर्च डाली है। ये अब लगी है मेरी मूर्थल वाली प्लेट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है आपका एक और डेली ब्लॉग में, और आज हम लोग जा रहे हैं ओपनहाइमर देखने। सुबह के घड़ी में 7 भी नहीं बजे हैं। अब ये नोलन भैया ने क्या बोल दिया कि ऐसी वाली सीटों में देखना है, इस वाले थिएटर में जाके देखना, सारी टिकटें सोल्ड आउट थी। मानोगे नहीं, इस सैटरडे की टिकट लास्ट वीकेंड ही करवा ली थी और फिर भी जाके हमें ये सीट मिली। आईमैक्स आई थिंक फर्स्ट टाइम जाऊंगा इस थिएटर में, राजौरी गार्डन जाना है। अभी कुमाशी की वेट कर रहा हूँ और इतने ही मैं सोच रहा हूँ कि नाश्ते में तो डिसाइडेड है, अपन ने मूर्थल के पराठे ही खाने हैं तो वही खाएंगे। आर यू रेडी? तीन घंटे के लिए अपनी अटेंशन देने के लिए आप रेडी है? नींद तो नहीं आएगी आपको? सुबह 7 बज रहे ना, इसलिए 7 भी नहीं बजे अभी तक, इसलिए 7:15 बजे का शो है। पैसे 1 रुपया कम नहीं किया, बल्कि प्रीमियम ही लिया है। आईनॉक्स आईनॉक्स पे आईमैक्स, बहुत ज्यादा फोम हो जाता। ठीक है, अभी देख के लंबे करो क्योंकि देखनी तो है ही। जेन्युइन रिव्यू। हाँ, हमारे हिसाब से जेन्युइन रिव्यू देंगे जी, जेन्युइन रिव्यू। कितने सालों बाद यहाँ पे मेट्रो का काम खत्म हुआ है? मेट्रो का ही काम हो रहा था ना? हाँ, पर यहाँ पे खत्म हो गया ना। इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, मैं भूल ही गया था कि ये इतनी चौड़ी सड़कें होती थी। आईनॉक्स आईमैक्स, लेट्स गो। फिर बाद में पराठे खाएंगे, यहाँ से कुछ नहीं खाना। इतनी सुबह लोग भी नहीं आए अभी तक चेक करने वाले, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया सुबह सुबह। आईनॉक्स तेरा। नोलन नोलन नोलन, वेयर इज नोलन? नोलन नोलन नोलन। पॉपकॉर्न्स, गिल्टी पॉपकॉर्न, 600 कैलोरीज वाले पॉपकॉर्न, नाचोस। वांट समथिंग? गेट अनलिमिटेड रिफिल का प्राइस पता है? कुछ खाना है? पूछो ना इसका। इतने से नाचोस 575 कैलोरीज, नहीं विदाउट रिफिल। पराठा क्यों स्किप करेंगे? पराठा खाएंगे ना, पॉपकॉर्न क्यों खाएंगे? सुबह के 9 बजे हैं अभी और इतनी भीड़ लगी हुई है, सब ओपन आईपीएल देखने आए हुए हैं। और कमाक्षी इज हैविंग दिस पॉपकॉर्न टब, कितने सालों बाद। चलो आ जाओ, इससे पहले मूवी स्टार्ट होए। भाई पूरा हॉल भरा हुआ है। यस, ओ भूत क्या कर रहा है भूत? ओ यार कमाशी, ओपन आईपीएल में क्या हो रहा है? दनन आ गया यार, शिट, ट्रेलर था वो। हॉरर मूवी भी देखते आएंगे एक बार। ट्रोल चल रहा है एक, ओपन हाइमर की जगह क्रॉप हाइमर। पट्टी बच रही है ना, वो एक्चुअली क्या है, वो 70 mm पे वो हो रखी है तो वो जूम हो रही है, तो वो ऐसे क्रॉपिश सी फील नहीं हो रही कि वो ऐसे खींच रखी हो, नहीं हो रही फील? ना नहीं पता चल रहा था, बट नाउ दैट यू से यस, मुझे तो पहले फ्रेम से ही पता चल रहा है। और मैंने डबल पैसे दिए उसके लिए आईमैक्स के लिए, तो मुझे तो पहले फ्रेम से ही पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा पता चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी तक ठीक है, बस इंटरवल बहुत अब्रप्ट था, बहुत ज़्यादा। हाँ वही भी लगा, ये ना अनलिमिटेड पॉपकॉर्न ऑफर कर रहे थे लार्ज में, कमाची का दिमाग तब से अटका हुआ है। From your memo dated June 29, 1943. हाँ वो ठीक कर रहे हैं, उसको लिपसिंग ठीक कर रहे हैं, हाँ वो कर रहे होंगे ना ठीक, उसको ऑडियो विजुअल ठीक कर रहे होंगे। सुबह 9 बजे वो भी उठे नहीं हैं, क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, लिटरली क्या कर रहे हैं भाई, पीछे कर रहा है वो उसको।
I didn't say anything that I hadn't already told you. Today you said it to history. अभी भी दिक्कत है। कभी आगे करना, कभी पीछे करना। Gave them the power to destroy themselves. Do not respect that. No way. Maybe they will. भाई back to the पंजाबी बाग का जाम। पिछले 5 मिनट से तो इसी मोमेंट पे खड़े हुए हैं, इसी कोऑर्डिनेट पे खड़े हुए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मुरथल। 1 घंटा दिखा रहा है, कुछ तो हलचल हुई है। कैसी लगी पिक्चर? अच्छी थी लाइक नाइस पॉलिटिकल। हाँ मतलब ये साइंस नहीं थी, एक बस वो शॉर्ट ही है बस, बाकी सब तो पॉलिटिक्स है। इट्स अ प्योर पॉलिटिकल मूवी और काफी ज्यादा ऐसे वो वाली पिक्चर है ये कि मतलब जैसे सारी नोलन पिक्चर्स होती है कि एक बार देखने में आधी ही समझ आती है, बाकी 25% एटलीस्ट देखने के लिए आपको लगेगा टाइम, दूसरी बार देखनी पड़ेगी। नहीं, आप ये वाली मतलब कितने सारी चीजें थी और वो बड़ी सारी डिप्लोमेसीज और वो सब चीजें भी थी ना, कुछ कुछ चीजें मतलब ज्यादा क्लैरिटी होगी, ज्यादा क्लैरिटी होगी। मैंने तब ध्यान नहीं दिया ये तो होता ही है। सारी चीजें बढ़िया थी बारिंग द आईनॉक्स एक्सपीरियंस। आईनॉक्स एक्सपीरियंस इतना ही हॉरिबल रहा हमारा राजौरी गार्डन में। भैया ने 15 सुबह सुबह पता नहीं क्या सो के बैठे हुए थे, 15 मिनट पहले इंटरवल, मतलब अगर इंटरवल 1 घंटे में खत्म होगा ना तो 45वें मिनट से पिक्चर स्टार्ट कर दी, लिपसिंग खराब, फिर लिपसिंग ठीक करी, फिर 50 मिनट पे चालू कर दी, फिर 55वें मिनट पे 5 मिनट बचे थे एक्चुअल टाइम में आने में कि जहां से स्टार्ट करनी थी, फिर भैया को रियलाइज हुआ कि ये तो मैंने पीछे से स्टार्ट कर दी, फिर 1 घंटे से इंटरवल हुआ था तो 1 घंटे 15वें मिनट पे चले गए सीधा। आधा घंटा तो भैया ने हमारा वेस्ट कर दिया टाइम। भी तो ज्यादा दिखाई बहुत। हाँ मतलब 3 घंटे की तो पिक्चर थी, हम लोग 4 घंटे बाद बाहर निकले हैं। बाकी जाते मुरथल जाके, ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा तो खुल रहा है भाई साहब, यहाँ से निकलना इतना संघर्ष है ना, इतना संघर्ष। 2023 में पंजाबी बाग आपको क्या लगता है, फ्लाईओवर पूरा बनते हुए देख पाओगे? बोल तो रहे हैं G20 से पहले बन जाएगा, उम्मीद ही है, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। गुलशन ढाबा पे रुकना है या फिर पहलवान ढाबा, वी कैन एटलीस्ट प्रिटेंड कि वी आर गिविंग इन ऑप्शन टू आर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब भ्रम में जीने में क्या जा रहा है, ले देखे रुकना वहीं पे है, बट गुलशन हो गया, अहुजा हो गया, मन्नत हो गया, झिलमिल हो गया, पहलवान आगे आएगा, सब प्रिटेंड, जस्ट गिव इट अ चॉइस, ले देंगे रुकना वहीं पे। शिवा ढाबा मामा शिवा, चना मसाला आज खाएंगे या लास्ट टाइम था या लास्ट टू लास्ट टाइम था जब वो कच्चे दिए थे उसने चने, जब सैनी के साथ आए थे ना पिछली बार, सैनी के साथ जब आए थे उसके बाद आए नहीं? नहीं अभी तो आए थे सैनी के साथ, जब फिर उधर हनी अंडा भी गए थे तब वो कच्चे थे ना छोले। हाँ। या उससे पहले आए थे कमाची तब कच्चे थे छोले, सैनी के बाद या सैनी से पहले हम लोग अकेले भी आए हुए हैं। हाँ पर तब कच्चे नहीं थे, सैनी के साथ कच्चे थे जब वो उससे पहले जब आए थे तो वो याद है वो टेबल का इशू हो गया था इधर उधर, तो वो इशू था तब। नहीं टेबल का इशू और कच्चे छोले और सेनी, तीन अलग अलग ट्रिप्स। नहीं सेनी बस कच्चे छोले, ये हमेशा ये वाला फ्लाईओवर भूल जाता हूँ, अब से याद रखूंगा। शिवा ढाबा जाने के लिए जो झिलमिल, नहीं झिलमिल है गुलशन, गुलशन का बोर्ड आए, गुलशन के बोर्ड से ना अंदर होता है तो वो ना सबकॉन्शियस माइंड से लगता है कि अब सारे ढाबे आ गए हैं। गुलशन के बाद वाला फ्लाईओवर उतर के फिर अंदर गली में जाना है तो फिर शिवा ढाबा, सुखदेव और धर्मपा जी का गरम धर्म, तीनों एक साथ गरम धर्म चले ट्राई। लास्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत ओके ओके रहा, मेरा तो अच्छा था, तो लॉकडाउन के बाद से सब पलट गया मेरा, काया पलट गया। तो लॉकडाउन से पहले मैं अभी किसी की रील देखी, यहाँ पे मुरथल ढाबे है भाई, ये होटल बन गया बट ढाबे है, पराठे दे रहे हैं लोग, यहाँ पे आके रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, वो बख्श दो मुरथल को। हाँ लीला ग्रैंड, इसकी भी कहानी बाद में बताएंगे।
बख्श तो यार मूर्थल को बख्श तो, मत खाओ सुशी। मूर्थल एक बार परेशान हो गया ना, तुम्हें नहीं मिलनी राइड करने का मौका, खाली सफर। अब तो भाई गडकरी जी ने इतने बढ़िया रोडे बना दिए, मत खाओ सुशी, पराठे खाओ यहाँ पे आके, चना मसाला हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। तुम पूड़ी आलू खा लो, डोसे बस, सुशी मत खाओ। श्रीजीत से पहले वाला कट है, श्रीजीत से पहले वाला फ्लाईओवर नहीं चढ़ना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। आई थिंक ये वाला फ्लाईओवर चढ़ेंगे तो फिर सीधा टोल पे खुलेगा। श्रीजीत अगली बार से याद रखेंगे, श्रीजीत वाला फ्लाईओवर नहीं चढ़ना। और ये आ गया हमारा मामा शिवा, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय मामा शिवा। हर बार हम लोग मामा शिवा से तो मांग लेनी चाहिए स्पॉन्सरिंग। हर बार हम लोग सोचते हैं कि 100-200 रुपए खर्च करेंगे, खर्चते करते 500,000 हो ही जाते हैं। बड़ा टाइम लगा दिया यार। हाँ छोले, हाँ पराठा से ठीक है, ठीक है। छोले में थोड़ी हरी मिर्च पड़वाइए, थोड़ी ये स्पाइसी करें, और इसके अंदर भी हरी मिर्च पड़वाइए, काफ़ी ज़्यादा हरी मिर्च डालिए। पराठा अपने आप से कर लो जितना खाना है। ये अब लगी है मेरी मूर्थल वाली प्लेट, ढाबा वाली प्लेट, अब वीकेंड वाली फुल फन आ रहा है। हाँ वो पॉपकॉर्न बड़े गिल्टी होते, मैंने तो थोड़े से ही खाए थे, इसलिए मैं ज़्यादा पराठा खा रहा हूँ, कमाक्षी कम करिए। ठीक है कभी कभार चलते हैं, ये नहीं खा पा रहे हैं। ये हेल्दी फूड है, ये ज़्यादा खाना चाहिए, वो कम खाना चाहिए। हाँ मतलब हेल्दी नहीं, फिलिंग फिलिंग। लाल वाली चटनी थी सर, छोले देखे एक ही जगह याद आती है, पर ये भी थोड़ा इनकन्सिस्टेंट हो गया पहले से। पहले इनके पराठे बहुत ही अच्छे होते थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चाय चीयर्स। हाँ टेक अवे चाय लिए पापा की तरह, गाड़ी चलाते चलाते चाय पियेंगे। आज तेल इतना ज्यादा तेल था, टमाटर नहीं थे ना उसमें, तेल कम किया नहीं होगा, टमाटर थे नहीं खाली प्याज में। पर आज पराठा भी थोड़ा सा मतलब जैसे नॉर्मल स्टफिंग होती है, हाँ मतलब ठीक ठीक था। इट वॉज गुड बट वाजंट ग्रेट। रोपड़ के छोले ज्यादा अच्छे थे इससे, रोपड़ ने पूरे टमाटर वमाटर सब डाल रखे थे, डिसेंट। ऐसा भी नहीं है कि बहुत रीजनेबल है, तो मतलब टमाटर 2-4 पीस डाल दो ना, क्या जा रहा है। आज बहुत ज्यादा बट यार एक्चुअली क्या है, मूर्थल में ना ढूंढना पड़ेगा कोई और, या आता नहीं है कभी वो मूड से आए कि सारे ट्राई करें। कमाक्षी एक दिन मूर्थल आएंगे, रील बनाएंगे फाइंडिंग आर नेक्स्ट फेवरेट। मामा मामा शिवा ना थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो रहा है, हाँ छोले पक्के थे तो तेल इतना, मतलब 4-5 चम्मच तेल तो मैंने साइड निकाल के रखा, कैन यू बिलीव इट, 4-5 चम्मच निकाला मैंने सही में। अब चल रहे हैं गाड़ी, ये थोड़ा सा अब चाय कम हो गया है, अब गाने सुनते सुनते चलते हैं। नॉर्मल चाय, ठंडी चाय हो जाएगी। हाँ ये ऑफ हो गया ना, देखो सुबह सुबह ना मैं नहा के आया था, पर अभी भी ऐसा मन कर रहा है कि घर जाके ऐसे बस शावर में बैठ जाऊं। वो मेरा वो आ गया, क्या कॉफी वाला बॉडी वॉश, वो नाइस एम कैफीन, इट्स नाइस। घर जाके दिखाता हूँ। गुलशन भी लास्ट टाइम ट्राई करा था, मजा नहीं रहा था। गुलशन पहलवान, अहूजा ट्राई करे, आई थिंक टाइम हो गया। अहूजा ट्राई किया था तुमने? नहीं। हाँ नहीं, तुमने वो नहीं, गुलशन नहीं, अहूजा नहीं किया यार। कोई चलता भी तो नहीं है ना हम लोग, अब कमाक्षी ज्यादा पराठा खाती भी नहीं है, मैं भी आजकल तो खा लेती हूँ। कमाक्षी अभी तुमने एक चौथाई पराठा, वो तो अभी तो इसलिए ना, क्योंकि आधा पराठा खाते हो, वरना तुम एक खा सकती हो पूरा, एक पूरा खा सकते हो, तो हम लोग दो जगह पे जा सकते हैं, तीन जगह पे। अरे थोड़ा थोड़ा खा लेंगे और हाफ हाफ करा करके, और बाकी फिर ला के शाम को खा लेंगे। हाँ टिफिन बॉक्स लेके चल लेंगे, यस डन। तीन जगह तो कवर, चार जगह कम से कम, चार जगह तो है ही नहीं, इतनी तो बची ही नहीं है। गुलशन गुलशन बहुत ही एवरेज हो गया, पहलवान भी एवरेज हो गया उस दिन। नहीं नहीं करते तो कोई बात नहीं, सुखदेव भी कर लेंगे, बहुत टाइम हो गया। सुखदेव तो बिल्कुल नहीं जाना, सुखदेव तो जाना ही नहीं है सुखदेव। चलो गरम धरम कर लेंगे, गरम धरम को ट्राई कर सकते, और वो भी खाया था हवेली का भी, हवेली का ना खाना अच्छा है वैसे, ठीक है। मील्स प्रॉपर वो दाल रोटी सब्जी वाला ना, हवेली का पराठा नहीं। अब पहलवान ये गरम धरम पे, आई यूज्ड टू गो प्री कोविड, उनका अमृतसरी कुलचा ऐसे होता था। प्री कोविड तो पहलवान बेस्ट होता था, प्री कोविड में पहलवान ने जो अपने रखे हुए थे ना, क्या बोलते हो उस्ताद बोलते हो जो भी बोलते हो महाराज जी, ओहो क्या बनाते थे छोले, क्या बनाते थे पराठे। एक बार वापस ट्राई कर लेंगे पहलवान में, खाया था ना अभी ये क्या बोलते हैं, ये शादी के टाइम पे, भाई की शादी के टाइम पे लास्ट ईयर खाया था एक पहलवान। हाँ यार पर वो पीछे 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 भाई भी हॉपिंग करने गया था, तो ठीक ठीक ही था, अच्छा नहीं था।
बातों ही बातों में कॉफी भी खत्म होगी, ये भी अच्छा है पहले ना। हाँ चाय। इस ब्लॉग के लिए इतना ही दोस्तों, बात करेंगे आपसे एक और डेली ब्लॉग में, और होगा कुछ और फन, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो जाते जाते लाइक। बाय बाय।